हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम्स हैकर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D गेम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। WR3D गेम की चीट्स ट्रिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं चीट्स एंड ट्रिक्स को। नंबर 1, प्रो लाइसेंस एंड बैक स्टेज पास। तो फ्रेंड्स, आप WR3D में कोई भी चीट अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रो लाइसेंस। अगर आप WR3D गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो मेन फीचर्स होते हैं वो लॉग दिखाई देते हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते। इन्हें यूज करने के लिए आपको प्रो लाइसेंस एंड बैक स्टेज पास बाई करने पड़ते हैं जिनकी प्राइस लगभग $10 है। बट मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखी है कि आप कैसे इन्हें फ्री में यूज कर सकते हैं। तो WR3D गेम में कुछ चीट्स एंड ट्रिक्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रो लाइसेंस एंड बैक स्टेज पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहली चीट तो यही है कि आप प्रो लाइसेंस कैसे लें। नॉर्मली आजकल जो भी लोग मोड्स बनाते हैं, मोड्स यूज करते हैं, तो ऐसे में उन मोड्स में प्रो लाइसेंस आपको ऑलरेडी ही मिल जाता है। तो सबसे पहले आप प्रो लाइसेंस लें और फिर चीट्स के बारे में सोचिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ चीट्स के बारे में। आप में से कई लोग इनके बारे में पहले से भी जानते होंगे और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर चीट नंबर 2 है, मूव रेसलर टू अनदर ब्रांड। अगर आपके WR3D गेम में प्रो लाइसेंस है तो आप WR3D गेम में किसी भी रेसलर को एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ब्रॉक लेसनर, यहाँ पर जैसे मेरे WR3D गेम में ये रोमे हैं, और अगर आप ब्रॉक लेसनर को किसी दूसरे ब्रांड में भेजना चाहते हैं, रॉ से किसी दूसरे ब्रांड में जैसे कि स्मैकडाउन वगैरह में भेजना चाहते हैं, तो आप मेन मेनू पर आएंगे, यहाँ पर यूनिवर्स पर क्लिक करेंगे, एडिट रोस्टर्स पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ब्रॉक लेसनर को सर्च करना है। जो भी रेसलर आप मूव करना चाहते हैं उसे सर्च कर लीजिए। तो जैसे मैं ब्रॉक लेसनर को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं बी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का नाम आ जाएगा। और अभी रेसलर रोमे है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के नाम पर लॉन्ग प्रेस करके इसे यहाँ से पकड़कर रॉ के लोगों पर आप लोग छोड़ देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो भी ब्रांड्स हैं आपके गेम में उन सब के लोगो आ जाएंगे। तो आपको जिस भी प्रमोशन में ब्रॉक लेसनर को मूव करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और ब्रॉक लेसनर या कोई भी रेसलर उस ब्रांड में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आप एक रेसलर को दूसरे ब्रांड में मूव कर सकते हैं एक ब्रांड से। तो फ्रेंड्स, ये भी एक चीट थी। अब बात करते हैं नंबर 3 की, एडिट सुपरस्टार्स और ब्रांड्स। तो ये भी एक चीट है WR3D गेम में। अगर आप किसी एक ब्रांड जैसे कि रॉ को सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो भी अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स हैं उनको रॉ में मूव कर देना है। और मूव करने के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो रॉ का मेन मालिक होता है, जो रॉ का बुकर होता है, जैसे कि यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन है, तो उसकी पॉपुलैरिटी को आपको इनक्रीज कर देना है बिल्कुल फुल। तो इस तरह से आप एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्स में जाकर एडिट रोस्टर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फेवरेट WWE सुपरस्टार सिलेक्ट करें जिसे आप अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जॉन सीना को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप जॉन सीना पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आएंगी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, तो इन ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो नंबर 1 पर है प्रोफाइल। तो यहाँ से आप रेसलर के नेम, एज, जेंडर, हाइट, उसकी बिल्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और रेसलर को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो रेसलर है वो रेसलर, मैनेजर या रेफरी भी आप उसे बना सकते हैं। एलिगेंस से आप उसे फेस या हील बना सकते हैं। अगर आपका रेसलर फेस है तो फैंस का फेवरेट होगा, फैंस की तरफ से उसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और अगर हील होगा तो फैंस उसे हेट करेंगे। तो इसके बाद में बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स। इससे आप अपने रेसलर की पॉपुलैरिटी मतलब कि उसकी लोकप्रियता, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत, स्किल मतलब उसकी रेसलिंग स्किल, एजिलिटी मतलब उसकी फुर्ती, कितनी तेज़ी से वो भाग सकता है, कितनी तेज़ी से वो परफॉर्म कर सकता है, और स्टेमिना मतलब वो कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, उसमें कितना स्टेमिना है, टफनेस मतलब वो कितना पिटके भी पिन नहीं हो सकता, कितना पिटके भी वो हार नहीं मान सकता, एटीट्यूड और हैप्पीनेस। तो आप इन सब के बारे में जानते हैं तो आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं। इन सब को कम या ज़्यादा करके आप रेसलर्स को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। अगर आप इन सब को ज़्यादा कर देंगे तो आपका रेसलर ऑल इन वर्ल्ड रेसलर हो जाएगा, उसमें सारी खूबियाँ होंगी। इसके बाद में आते हैं गेस्चर्स पर। तो गेस्चर्स से आप अपने रेसलर को खड़े होने का तरीका, घूमने का तरीका, एंट्रेंस, सेलिब्रेट, फाइट करने के तरीकों को चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम्स में आप अपने रेसलर की कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से मूव्स में भी आप अपने रेसलर के मूव चेंज कर सकते हैं।
रिलेशनशिप में आप किसी भी रेसलर को अपना दोस्त या दुश्मन बना सकते हैं। इसी तरह से आप उसके एंट्रेंस थीम, लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इन सभी फीचर्स को यूज करके आप WR3D में किसी भी रेसलर को बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा बना सकते हैं। आप अपने फेवरेट रेसलर को स्ट्रांग और अपोनेंट को वीक बना सकते हैं। उनमें जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक ही ब्रांड के सुपरस्टार्स को एडिट कर सकते हैं। आप पूरा जो भी WR3D में जितने भी रेसलर्स हैं उनको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, सारे ब्रांड से उनको एडिट कर सकते हैं। तो ये भी एक चीट है, काफ़ी यही सबसे अच्छी चीट है WR3D में। इसके बाद में नंबर 4 पर आती है चैलेंज एनीवन। तो अगर आपके रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D गेम में प्रो लाइसेंस है तो आप यहाँ पर प्ले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेसलिंग कैरियर पर क्लिक करें और अपना किसी भी रेसलर से रेसलिंग कैरियर स्टार्ट कर दें। आपने पहले से भी कर रखा होगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप इसे जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको मैच दिखाई देते हैं एंड आगे का शेड्यूल होता है, मंथ लिखे होते हैं नीचे और उनके जो आगे के शेड्यूल होते हैं। तो आप जिस भी वीक को किसी दूसरे रेसलर को चैलेंज करना चाहते हैं उसे चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस डेट पर डबल टैप करना है और जिस भी रेसलर को चैलेंज करना चाहते हैं उस रेसलर को वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप उसे बैक स्टेज में मीटिंग करेंगे, डेट या मैच टाइप उसको सेलेक्ट कर लें आप अपने हिसाब से और वो अगर वो रेसलर इंटरेस्टेड होगा तो वो हाँ बोल देगा। तो इस तरह से आप WR3D में किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 5 पर आती है, आप किसी भी रेसलर, किसी भी बड़े रेसलर को बहुत ही कम रुपयों में हायर कर सकते हैं, उसे अपने ब्रांड में ला सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D के मेन मेन्यू पर ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे। तो इनमें से आप जैसे प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको और दिखेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है बुकिंग कैरियर। तो बुकिंग कैरियर का मतलब ये है कि आपके पास में एक ब्रांड है, जैसे कि आपके पास में रॉय है और आप उसके मालिक हैं, जैसे कि स्टेफनी मैकमैन रॉय की मालिक हैं, तो उसी तरह से आप भी बुकिंग कैरियर है। किसी भी ब्रांड से अपना बुकिंग कैरियर आप चूज कर सकते हैं अगर आपके पास में प्रो लाइसेंस है। तो आप बुकिंग कैरियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ब्रांड है उसमें अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स होने चाहिए और अगर आप और अच्छे सुपरस्टार्स को हायर करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो इस चीट का मतलब ही यही है कि आप किसी भी बड़े सुपरस्टार्स को बहुत ही कम मनी में अपने ब्रांड में हायर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस भी सुपरस्टार को हायर करना है उसको यूनिवर्स में जाकर उसको एडिट करना है। उसको एडिट करके उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको बिल्कुल कम कर देना है, उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना, टफनेस, इन सबको बिल्कुल कम कर दीजिए और उसे NXT में, परफॉर्मेंस सेंटर में छोड़ाइए। अगर आपका यहाँ पर कोई और भी ब्रांड है तो आप उसे वहीं पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर उसे परफॉर्मेंस सेंटर में छोड़ दीजिए। इसके बाद में आप दोबारा से प्ले में बुकिंग कैरियर में आइए और हायर टैलेंट पर क्लिक कीजिए, वहाँ से उस रेसलर को सिलेक्ट कीजिए और उसे जितना कम पैसा आप देंगे वो उतने में ही हाँ कर देगा। अब ये नहीं है कि वो $100 में ही हाँ कर दे, लेकिन हाँ वो हाँ कर देगा, $500 तक वो हाँ कर देगा। उसके बाद में वो जैसे ही आपके ब्रांड में आता है आप दोबारा से जाइए, उसे एडिट कर दीजिए और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको जितना पहले था उतना कर दीजिए, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी रेसलर को हायर कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। तो ये भी एक चीट है WR3D की। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, तो ये थी नॉर्मल चीट्स जिनको आप कई लोग जानते होंगे, बट इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, उसमें मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीट लेकर आऊँगा और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है तो आप उसका वेट करें। उस पार्ट में आपको इससे अच्छी चीट्स मिलेंगी। इस पार्ट में तो कुछ चीट्स थी, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी WR3D गेम के बारे में, जो नए नए WR3D गेम प्ले करना सीखे हैं, प्ले करते हैं तो उनके लिए थी ये, बट जो सेकंड पार्ट है वो धमाकेदार होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम एम रख रहा हूँ 50 लाइक्स का, तो आई होप आप कंप्लीट कर देंगे। बट ये नहीं कि एम कंप्लीट नहीं होने पर मैं सेकंड पार्ट नहीं आएगा, वो तो मैं आपको वैसे भी देने वाला हूँ, बट अगर आप 50 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे इस वीडियो में तो मुझे खुशी होगी। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गेम्स हैकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।